टी20 विश्व कप 2022 का आगाज ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आज हुआ तो पहले ही मुकाबले में बड़ा उलटफेर हो गया। आपको बता दें कि पहले मुकाबले में कमजोर नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से बड़ी मात दी है और इस तरीके से ये बड़ा उलटफेर विश्व कप के पहले ही मुकाबले में हुआ है। आपको बता दें कि टी20 विश्व कप के पहले मैच में ये सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। रविवार को क्वालिफाइंग मुकाबले में नामीबिया ने श्रीलंका जैसी दिग्गज टीम को 55 रनों से हरा दिया। नामीबिया ने 164 रन का टारगेट दिया था, श्रीलंका की पूरी टीम 108 रनों पर ही सिमट गई। नामीबिया के ऑलराउंडर्स ने मैच का पांसा पलट दिया। जेन फ्राइलिंक और जेजे स्मिथ ने 69 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों ने अहम मौके पर श्रीलंका के 3 अहम विकेट भी चटकाए। नामीबिया के लिए इस जीत के हीरो रहे जेन फ्राइलिंक, उन्होंने बैट बॉल दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया। 28 साल के इस बल्लेबाज ने पहले 44 रनों की शानदार पारी खेली, फिर 2 अहम विकेट भी चटकाए। उनके अलावा और भी खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि श्रीलंका इस पूरे मुकाबले में कहीं भी टिक नहीं सका और दूसरे ओवर से ही श्रीलंका की हालत खराब हो गई, जब उनके लगातार विकेट गिरने शुरू हुए और इस तरीके से श्रीलंका आखिरकार इस मुकाबले में मैच गवा बैठा। आपको बता दें कि नामीबिया ने 163 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाए और उनके लिए शानदार तरीके से बल्लेबाजी जेन फ्राइलिंक ने की। श्रीलंका के लिए प्रमोद मधुसूदन ने शानदार गेंदबाजी की। उसके बाद 164 रन के जवाब में श्रीलंका 19 ओवर में 108 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और श्रीलंका के लिए उनके कप्तान दसुन सनाका ने 29 गेंद पर 23 रन किए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज बहुत अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाया। भानुका राजपक्षे ने जरूर 20 रनों की पारी खेली, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं थी और इस तरीके से नामीबिया ने बड़ा मुकाबला नाम कर लिया और ये बता दिया कि इस विश्व कप में तमाम उलटफेर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि अभी क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जा रहे हैं, इसमें से जो टीमें क्वालिफाई करेंगी वो फिर टॉप टीमों में जाकर शामिल होंगी और फिर पूल में मैच खेलेंगे। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर से मेन मुकाबले खेले जाने हैं, इसके बाद 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से क्वालिफाइंग मुकाबले में कमजोर नामीबिया ने श्रीलंका को हराया है, उसके बाद से अंदेशा आप लगा सकते हैं कि इस विश्व कप में कितना धूमधड़ाका होने वाला है और कोई भी टीम यहां पर कमजोर नहीं है। बहरहाल जिस तरीके से नामीबिया ने श्रीलंका को उनकी औकात बताई है, जो कि अभी अभी एशिया कप जीतकर विश्व कप खेलने पहुंचे थे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।